तो आप मेरे को बाइक बुइक दिला रहे हैं, दिला रहे हैं, बताओ पहले तो बाइक दिलाएंगे पक्की बात है? पक्की बात। तो गाइज ऐसा सीन है कि मैंने अपनी मम्मी से बात वगैरह प्रॉपर कर ली है कि कैसा बाइक वगैरह लेना है, तो 9-9 लाख के आसपास की पड़ी बाइक दिला दोगे? पक्की बात है। माय गॉड सुपर बाइक्स। तो फाइनली गाइज आज वो दिन है जो हर एक बाइकर जिस दिन का इंतजार करता है कि उसके घर में कब एक सुपर बाइक आने वाली है। तो अभी हमने एक सुपर बाइक का प्लान करा है मैंने और मेरी फैमिली ने मिलके कि मेरे पास भी एक सुपर बाइक होनी चाहिए, बट अभी बजट थोड़ा हिला हुआ है। तो क्योंकि एक अगर आप सुपर बाइक ले रहे हो तो मेरे हिसाब से आप पे 9-10 लाख रुपये होना ज़रूरी है सुपर बाइक में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज सस्ती ले लें फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए ये वो तो मज़ा नहीं आने का। तो अभी सोचते हैं और आज निंजा के शोरूम जाएंगे जैसा भी होगा। तो मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि मैं एक सुपर बाइक देखने और बुक करने जा रहा हूँ। अभी बुक का भी कंफर्म नहीं है कि मैं बुक करूँगा या कैसा सीन होगा, तो जैसा भी होगा व्लॉग में बने रहे, आप लोगों को पता चल जाएगा जैसा भी सीन होगा। तो गाइज मैं काफ़ी टाइम से मम्मी को व्लॉग वगैरह में नहीं लेके आया हूँ, तो मैं मम्मी को व्लॉग में लाने की सोच रहा हूँ इस बार। देखते हैं जैसा भी सीन होगा तो मम्मी से मिलवाता हूँ अभी, आप लोगों को वेट करें। तो फाइनली गाइज मम्मी आ चुकी है, आ जाओ मम्मी इधर आ जाओ। तो आप मेरे को बाइक बुइक दिला रहे हैं, दिला रहे हैं, बताओ पहले तो बाइक दिलाएंगे? पक्की बात है? पक्की बात। तो गाइज ऐसा सीन है कि मैंने अपनी मम्मी से बात वगैरह प्रॉपर कर ली है कि कैसा बाइक वगैरह लेना है, तो 9-9 लाख के आसपास की पड़ी बाइक दिला दोगे? पक्की बात है? तो मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली है प्रॉपर, मम्मी और को समझाया। ऐसे नहीं कि मैं पैसा बर्बाद कर रहा घर वालों का, ये है कि मैं पैसे यूट्यूब से ही अर्न करके अगर मेरा सही चला आप लोगों की वजह से तो जैसा भी होगा, तो मैं अर्न करके अपनी फैमिली को पूरा पैसा वापस करने वाला हूँ। क्योंकि पैसा वेस्ट करना मुझे लगता कि 9-10 लाख की बाइक लेना वर्थ है किसी के लिए, क्योंकि यार मैं अपने काम की वजह से ले रहा हूँ, तो फिर मैं ही पैसे वापस कर दूंगा आपको सारे। ठीक है, कोई दिक्कत दुक्कत तो नहीं है? पक्की बात? ठीक है ठीक है। तो गाइज जैसा भी सीन है अभी चलो जाओ आप काम कर लो मम्मी। तो जैसा भी सीन होगा अभी आप लोगों को क्या बोलते हैं मोटो ब्लॉग सेटअप पे आते हैं और पता लग जाएगा कि अभी फिलहाल हम देहरादून के लिए निकल रहे हैं और टाइम ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। बहुत तेज धूप हो रही है यार आज, तो देहरादून के लिए निकलते हैं और जैसा भी सीन होगा आप लोगों को प्रॉपर बता देंगे। गाइज अभी हमने निंजा के शोरूम में फ़ोन करके मतलब कंफर्म किया था कि शोरूम ओपन है, यानी क्योंकि आज सैटरडे है तो सैटरडे में हमारा विकास नगर बंद ही रहता है ज़्यादातर। तो एक बार हमने कंफर्म करा वहाँ पे शोरूम में जाके कि बंद है या नहीं है, तो उन्होंने बोला कि वैसे तो शोरूम बंद है बट आपको अगर बाइक वगैरह देखनी है, बाइक का ऑर्डर वगैरह देना है तो आप आ सकते हो चेक करने, बिकॉज जो सर्विस सेंटर का पीछे से रास्ता है वहाँ से खुला होता है सब कुछ। तो आज हम जा रहे हैं, मैं और मेरा फ्रेंड अतुल दोनों जाएंगे और बाइक का एक बार रिव्यू लेके आएंगे किस तरीके की बाइक है क्या है। तो बाइक कौन सी है ये लोग आप कमेंट करके बताएं। अंडर 10 लाख में, 10 लाख के नीचे नीचे आ जाएगी वो बाइक जो मैंने सोच रखी है लेने के लिए, मेरी ड्रीम बाइक है जो। तो जैसा भी होगा आप लोगों को पता चलते रहेगा, ब्लॉग में बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। ये सब कुछ आप लोगों के प्यार की वजह से हो पाया यार, आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं मेरी वीडियो पे कुछ दिनों से, तो फिर मैंने सोचा कुछ यूनिक करने की सोचते हैं। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो होप करता हूँ गाइज आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज अभी आप लोगों ने देख लिया कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, तो जैसा भी सीन होगा आप लोगों को बताता रहूँगा। आज मेरी लाइफ का मतलब इतना बड़ा दिन है ना कि मैं सोच ही सकता यार कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली एक सुपर बाइक अफोर्ड कर सकते हैं। तो जैसा भी होगा मैं अभी बहुत खुश हूँ, अभी ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू एंड उसके बाद चलते हैं अभी सामने देखते हैं कैसा सीन होता है क्या नहीं होता है। और मतलब मैं फर्स्ट टाइम यार इतना ज़्यादा खुश हूँ। मैं फर्स्ट टाइम में RS 200 लेने गया था, जब गया था तो उस समय की एक्साइटमेंट और आज की एक्साइटमेंट मुझे सेम फील करा रही, बिकॉज मैं आज एक सुपर बाइक लेने जा रहा। जब मैं अपना सेंटर लेने गया था NS 200 तब मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था, बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी मेरे पे RS 200 थी, तो मेरे पे एक सेकेंडरी बाइक आ रही थी NS 200। बट आज मैं सुपर बाइक देखने जा रहा हूँ गाइज। तो जैसा भी सीन होगा आप लोगों को शोरूम में चल के दिखाते हैं और पहुँचते हैं शोरूम में जल्दी। 300 का डालते यार भाई, 300 हाँ 300
चल 35 डाल दे गया। शुक्रिया यार भाई। तो गाइस अब फाइनली फ्यूल अप वगैरह करवा लिया है, गाड़ी का टायर प्रेशर हवा वगैरह सब चेक हो चुका है। तो अब निकलते हैं शोरूम की तरफ, देखते हैं अगर टाइम लगा तो होंडा के शोरूम में भी एक बाइक है 650 कैटेगरी में, तो उसको भी चेक करेंगे एक बार। 650 cc आर CBR 650 R, तो उसे भी चेक कर लेंगे एक बार। तो फाइनली गाइस अब हम निंजा के शोरूम पहुंचने वाले हैं, जैसा भी सीन होगा अभी आप लोगों को सारा दिखाएंगे। तो अभी कुछ डिसाइड वगैरह प्रॉपर नहीं है कि हमको क्या बाइक लेनी है, कौन सी बाइक लेनी है, सरप्राइज है अभी आप लोगों के लिए। और फिलहाल चलते हैं निंजा का शोरूम, चेक करते हैं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो फाइनली गाइस हम निंजा के शोरूम में, और मतलब यार क्या बोलूँ, मतलब कुछ कहा नहीं जा रहा यार। एक टाइम था हम 200 सीसी की बाइक चलाते थे, और आज एक टाइम है अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखने आ रहे हम। तो फिलहाल चलते हैं। हाँ भाई, तो मज़ा आ रहा है इतने बड़े शोरूम में घुस के भाई साहब। 4 लाख रुपए से स्टार्ट है बाइक है, मतलब इससे अच्छा कार ले लूँ क्या? कार तो ले लीजिए। माय गॉड, सुपर बाइक्स। तो फाइनली गाइस हमने बाइक वगैरह भी प्रॉपर चेक कर ली है कि क्या सीन है क्या नहीं है। तो जो बाइक मेरे को पसंद आई है वो ऑलमोस्ट 10 lakh 20,000 की पड़ रही है मुझे ऑन रोड नई, और मेरा बजट थोड़ा 9 lakh के आसपास था कि 9 लाख रुपए तक की, क्योंकि यार 10 lakh 20,000 एक बाइक में लगाना, और बट मैं सेकेंड हैंड ट्राई कर रहा, बट कुछ ना कुछ तो नया आने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि मैं अगर जहां 9 लाख रुपए लगा सकता हूं, 10 lakh 20,000 लगाने में भी कुछ नहीं है, 10 lakh 20,000 तो बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है। आज मतलब लाइफ फर्स्ट टाइम फेस करी, बहुत सही चीज़ है। अच्छा बता दीजिए बाइक कैसी लगी? भाई बहुत खतरनाक है भाई, भाई बहुत ही अल्टीमेट, मतलब लाइव एक तो वीडियो में फेस करो ना तो बहुत ही अलग फील है वीडियो में फेस करने का, कि वीडियो है मैं टैंक कैसा होगा। भाई सब बहुत बड़ा टैंक है, बहुत बड़ा टैंक, मतलब मेरे फैमिली वालों ने मुझे अलाउ कर दिया इतनी महंगी बाइक लेने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार। पर बहुत जल्दी हमारे चैनल पर कुछ ना कुछ दिखने वाला, मैं घर वालों से एक बार बात करता हूँ जाके, और जैसा भी सुन होगा आप लोगों को इंस्टाग्राम पे प्रॉपर मेंशन करता रहूँगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा यहाँ पे। और मिलते हैं फिलहाल, अभी निकलते हैं घर की तरफ। फाइनली गाइज बाइक वगैरह चेक कर चुके हैं, जैसा भी सीन होगा आप लोग इंस्टाग्राम पे बने रहे, हम आप लोगों को प्रॉपर बता देंगे जैसा भी होगा। बाइक की कहाँ है मेरे पे? और गाइज एक छोटे शहर का यूट्यूबर अपना आज कावासाकी के शोरूम में आ रखा है, तो देखते हैं जैसा भी सीन होगा, फिर मिलते हैं कावासाकी, बहुत जल्द आ रहे लौट के तेरे पास। तो जैसा भी सीन होगा गाइस अभी घर जाके मैं फैमिली वालों से बात करके इंस्टा पे अपडेट कर दूंगा, तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो यार, थोड़ा प्यार इंस्टा पे भी दिखा दो। तो जैसा भी सीन होगा मैं आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से बता दूंगा कि मैं कौन सी बाइक ले रहा हूं, क्या है ये वो। तो फिलहाल निकलते हैं अभी घर की तरफ, या फिर देखते हैं अभी होंडा के शोरूम में जाके CBR के बारे में पता करना है, मतलब एक मूड मेरा CBR 650 लेने का भी हो रहा है, CBR 650 R, तो एक बार चेक करना कि बाइक कैसी है। और कमेंट करके बताओ यार आप लोग कौन सी बाइक मुझे लेनी चाहिए अंडर 10 lakhs में, तो क्योंकि 10 lakh तक की छूट है मेरे पे कि चल भाई इसके अंदर अंदर में मैं गाड़ी ले सकता हूँ। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि कौन सी बाइक मुझे लेनी चाहिए, एक बार CBR 650 में चेक कर लूँगा कैसा सीन है क्या है होंडा के शोरूम में जाके। तो चलते हैं फिलहाल अभी होंडा के शोरूम, और वहाँ पे भी जैसा भी सीन होगा वो बताते हैं। तो गाइज हम लोग देहरादून से होके आ चुके, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई देहरादून में, तो बहुत ज़्यादा। तो जैसा भी सीन है गाइज अब आप लोगों को इंस्टाग्राम पे पता लगता रहेगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, और मिलते हैं किसी ऐसी ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ, राइड सेफ, बाय बाय, और ध्यान रखना यार,
वीडियो पे प्यार दिखाया, तो एक सुपर बाइक अपने चैनल पे बहुत जल्दी आने वाली है। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में। बाय बाय।